हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं हमारी टेक न्यूज स्टार्टअप आज की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन रियलमी 5 प्रो का मोटोरोला G8 प्लस से, और आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है। तो हमेशा की तरह 5 परफेक्ट कंपेरिजन किया है मैंने, बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी और जो अदर स्पेसिफिकेशन आपको वीडियो में आगे जाके बताता रहूंगा। फिर बात करूंगा दोनों की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों में आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है, चाहे वो रियलमी 5 प्रो हो या मोटोरोला G8 प्लस। दोनों देखने में काफी ज्यादा डिफरेंट लगते हैं। रियलमी में आपको डायमंड कटिंग लुक मिलता है, ग्लॉसी डिजाइन मिलता है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है, और मोटोरोला G8 प्लस में आपको वही ग्रेडियंट लुक मिलता है जो कि आपको आजकल हर छोटे सेट में ग्रेडियंट लुक मिल रहा है, हर सेट में ग्रेडियंट लुक मिल रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आपको वही ग्रेडियंट लुक मिलता है, नीचे जो है वो कलर थोड़ा डार्क है, ऊपर कलर थोड़ा लाइट है और देखने में अच्छा लगता है, ग्लॉसी फिनिश है। तो ओवरऑल जो लुकिंग फील है दोनों का ही अच्छा है। अगर आप कोई भी फोन लेते हैं इन दोनों में से तो कवर आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। मैं बात करूंगा दोनों की स्क्रीन की, तो दोनों की स्क्रीन भी तकरीबन सेम है। यहाँ पर आपको दोनों में ही 6.3 इंच का IPS LCD पैनल मिलता है, दोनों में आपको फुल HD प्लस स्क्रीन मिलती है और यहाँ पर आपको दोनों में ही ऊपर की तरफ एक वाटर ड्रॉपलेट मिलती है। तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन भी सेम मिलती है, स्क्रीन साइज भी सेम है, ब्राइटनेस वगैरह भी सेम है। यहाँ पर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इस फोन को यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा और ऑल इन ऑल दोनों की स्क्रीन अच्छी है। मैं बात करूँ अगर दोनों की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिफरेंट है। फिर बात करूँ अगर मोटोरोला G8 की, तो वहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर मिलता है जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है। यहाँ पर आप पबजी जैसे गेम को आराम से मीडियम सेटिंग पे खेल सकते हैं, हाई सेटिंग पे आप पबजी को जो है नहीं खेल सकते, अगर खेलेंगे भी तो वो लैग करेगा। और यहाँ पर आप ओवरऑल जो है वो कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन स्विच कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कभी भी मोबाइल आपका लैग नहीं करेगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा हैवी गेम करेंगे, HD पे पबजी खेलेंगे तो आपका मोबाइल लैग होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं रियलमी 5 प्रो की, तो वहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 665 से बेहतर प्रोसेसर है। यहाँ पर ये प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मिलता है। यहाँ पर जो इसकी GPU है वो भी Adreno 616 है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर आपको गेमिंग स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा जो है, अगर आप पबजी को HDR पे खेलते हैं, बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग करते हैं, जब भी आपका मोबाइल लैग नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस वाइज रियलमी 5 प्रो इज क्लियरली विनर। मैं बात करूं और दोनों की कैमरा की, तो कैमरा दोनों के तकरीबन काफी ज्यादा सेम है। बात करूं अगर दोनों के मेन कैमरा की, तो मोटोरोला G8 प्लस में आपको 48 MP का मेन कैमरा मिलता है, 16 MP का सेकेंडरी लेंस है जो कि वीडियो कैमरा है वाइड एंगल मोड, और थर्ड कैमरा जो है वो 5 MP का है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने अगर वाइड एंगल मोड दिया है तो सिर्फ वीडियो के लिए क्यों दिया, मतलब अगर आप चाहते तो इसको जो है वो आप पिक्चर भी ले सकते थे इस फोन से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वाइड एंगल मोड यूज करना है तो आपको सिर्फ वाइड एंगल मोड में वीडियो मिलेगी, पिक्चर नहीं मिलेगी। अगर आपको पिक्चर लेनी है वाइड एंगल मोड में तो आप वीडियो बनाते बनाते जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ऐसे आप पिक्चर नहीं ले सकते, जो कि बहुत बड़ा बूमर है। लेकिन बात करूँ कैमरा क्वालिटी की, तो 48 MP का जो कैमरा है उसका जो अपर्चर है वो है F1.7। यहाँ पर आपको ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। लो लाइट में कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है, डे लाइट में काफी ज्यादा जो एक्सेलरेशन जो क्या हो गया डायनेमिक रेंज है वो काफी अच्छी है। ऑल इन ऑल जो कैमरा है काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर बात करूँ रियलमी 5 प्रो की, तो वहां पर भी आपको जो मेन कैमरा है वो 48 MP का मिलता है F1.8 के साथ, सेकेंडरी लेंस जो है वो 8 MP का है, वाइड एंगल मोड है और यहाँ पर आप वीडियो भी बना सकते हैं और पिक्चर भी ले सकते हैं। और जो थर्ड कैमरा है वो 2 MP का है, डेप्थ सेंसर, और फोर्थ कैमरा 2 MP का माइक्रो सेंसर है। और यहाँ पर भी आपको जो कैमरा की क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो दोनों फोन जो कैमरा में, तो आपको कभी रियलमी 5 प्रो की पिक्चर अच्छी लगेगी, कभी मोटोरोला G8 प्लस की पिक्चर अच्छी लगेगी, तो दोनों में आपको जो है कैमरा काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन ये बात बस ध्यान में रखनी है, अगर आपको वाइड एंगल मोड में पिक्चर लेनी है तो वो काम आप मोटोरोला G8 प्लस पे नहीं कर सकते, सिर्फ स्क्रीनशॉट के जरिए कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते।
तो फ्यूचरिस्टिक कैमरा अगर मैं कहूँ तो वो रियलमी 5 प्रो का ज्यादा फीचर्स हैं, आपको माइक्रो मोड मिलता है, आपको जो है वाइड एंगल मोड में पिक्चर्स मिलती हैं, और भी बहुत सारे मोड हैं। तो ऑल इन ऑल जो कैमरा फीचरिस्टिक कम है रियलमी 5 प्रो का है। मैं बात करूँ दोनों की सेल्फी की तो यहाँ पर मोटोरोला G8 प्लस क्लियरली विन करता है। 25 MP बहुत ही बड़ा सेल्फी सेंसर है और रियलमी 5 प्रो में आपको 16 MP की एक आम सेल्फी मिलती है। आजकल 16 MP की ही आम सेल्फी हो गई है, 8 MP की जो सेल्फी है वो भी आजकल बहुत कम होती है, 16 MP की सेल्फी तकरीबन होनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छी बहुत ज्यादा अच्छी सेल्फी चाहिए तो आप G8 प्लस पे जाएं, अगर आपको अच्छी सिर्फ अच्छी सेल्फी चाहिए तो आप रियलमी 5 प्रो ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा दोनों की बैटरी की तो रियलमी 5 प्रो में आपको ऑलमोस्ट 4350 mAh की बैटरी 4035 mAh की बैटरी मिलती है और यहाँ पर आपको जो फास्ट चार्जिंग मिलती है वो चार्जर 3.0 के तहत मिलती है, मतलब वो जो है आपको 20 W फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है और ये मोबाइल आपका 30 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाता है जो कि एक अनबिलीवेबल सी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर बात करूँ फास्ट चार्जिंग तो रियलमी 5 प्रो इज अ क्लियरली विनर। मैं बात करूँ मोटोरोला G8 प्लस की तो वहां पर भी आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ जो फास्ट चार्जिंग मिलता है वो 15 W का है, मतलब जो फास्ट चार्जिंग है वो नॉर्मल फास्ट चार्जिंग है, इतनी तेज नहीं है। तो फास्ट चार्जिंग स्पीड रियलमी 5 प्रो की ज्यादा अच्छी है। और एक और बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में ये है कि रियलमी 5 प्रो में आपको ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड की सपोर्ट मिलती है, जबकि मोटोरोला में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड आप यूज नहीं कर सकते। तब कौन सा फोन लिया जाए, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक मिल जाते हैं, दोनों के दोनों जो है वो 4K पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं 30 FPS पे। अब कौन सा फोन लिया जाए, देखें अगर आपको सेल्फी थोड़ी अच्छी चाहिए और बैक कैमरा भी ठीक ठाक है, अगर आप वाइड एंगल मोड पे से वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मोटोरोला G8 प्लस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी जो अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, ओवरऑल जो है वो फ्यूचरिस्टिक कैमरा चाहिए तो आप रियलमी 5 प्रो की तरफ जाएं और ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए तेज। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।